आप इनको दीजिए ना। अभी जैसे कि हम सबको ही पता है कि हम लोग पहले तो कोरोना से, उसके बाद साइक्लोन से पीड़ित हैं और जूझ रहे हैं, तो इसके बीच में ये जो ट्रीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो एक अच्छी मुहिम है और आई होप के हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त करें इन सब चीज़ों पे। और आज जो अनुषा जी और सर ने जो मुहिम चलाई है कि हम लोग ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रीन मुंबई के लिए बहुत बढ़िया संकल्प है और मैं इसके साथ जुड़ी है, मेरी खुशकिस्मती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपसे पूछना चाहूँगा, अमूमन क्या होता है जैसे हिमा जी ने उस दिन कहा कि सिर्फ देखना नहीं है, उसको अपनी फैमिली की तरह मानना है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ज़मीन है, हमारा प्रॉपर्टी है। वो इनिशिएटिव सब उतने दिल से दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी, मैं सफा से कल परसों मेरा गुजरना हुआ लेकिन वो पेड़ सलामत है, लोग पानी नहीं पी रहे हैं उसे। तो ये अब कहाँ तक ले जाने की तैयारी है और कितना हो चुका है और कितना बाकी है? जैसे कि आप सबको पता है कि अपने ड्यू टू साइक्लोन तौकते अराउंड 2000 से ज़्यादा पेड़ बॉम्बे में गिरे हैं और यहीं मेरे वार्ड में ही 350 पेड़ गिरे हैं। ये 350 आंकड़ा है, मतलब पूरे पेड़ गिर गए। वैसे तो बाकी ब्रांचेस और बाकी फॉलन इन दैट वे बहुत ही काफ़ी डिवास्टेशन हो गया था। इसीलिए जब हमने देखा साइक्लोन के दूसरे दिन, लगातार चार दिन अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं पे साइड में ब्रांचेस रखे हुए हैं, तो पूरी हमारी टीम लगातार उसको रोड क्लियर करने में, ट्रैफिक क्लियर करने में लगी हुई है। तो उसके माध्यम से हमको ये बहुत दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े पेड़ 30 साल 40 साल के गिरे हैं, तो इस पर क्या कर दिया। एज ए अथॉरिटी हम प्लांटेशन कर सकते हैं ये सब, लेकिन प्लांटेशन जैसे करना जितना आसान है उतना ही जितना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है लेकिन उतना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसको पालना है। जैसे आपने बताया कि फैमिली, सही में पेड़ एक बच्चा ही होता है, मिस्र के धर्म शान जी वो उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि सही में कि एक बच्चे को जैसे पालते हैं वैसे पालना चाहिए। बीइंग एन अथॉरिटी वी कैन प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी, हाउएवर उसको जब तक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगा तब तक इसको पूरा, इसका अगले 5 साल 10 साल पेड़ बड़ा होने में जितना टाइम जाएगा वो केयर करने के लिए एक केयर टेकर होना चाहिए। तो उसके माध्यम से हमने ये कैंपेन अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीड बी अ गार्डन ऑफ नेचर हमने इनिशिएट किया। उसमें हमको इन एसोसिएशन विथ मेगा, दैट इज़ मेक अर्थ ग्रीन अगेन, मेगा फाउंडेशन एंड वृक्ष नर्सरी जो शान ललवानी जी है उनके माध्यम से हमने ये किया है। मकसद यही है कि फैसिलिटेट तो बीएमसी हम सब कर रहे हैं, बट उसको जो आगे जाके केयर टेक करना है, उसका ख्याल रखना है, वो जितना नेबरहुड कर सकेगा
उतना कोई अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी के पास अलग अलग काफ़ी इशू रहते हैं। तो हम इस जगह पे अभी हमने जहाँ पे पेड़ लगाए वहाँ पे हो सकता है 8 दिन में 10 दिन में कभी आए, कभी कभी 15 दिन भी ना आए। तो इससे अच्छा है कि जो नेबरहुड सोसाइटी है जो भी है वो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आना जाना होता है, तो वो जब आते हैं तो उनका एक ख्याल होता है, एक अटैचमेंट हो जाती है, एक वही बिलोंगिंगनेस हो जाता है। तो वो जो केयर टेकरपन है वो उन्होंने निभाना चाहिए, इसीलिए हमने ये कैंपेन अवेयरनेस थ्रू किया है। हम काफ़ी सेलिब्रिटी यहाँ पे रखेली रेसिडेंट्स है उनको साथ में ले रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सोसाइटी जो सामने आ रही है उनके यहाँ पे भी हम जाके वहाँ पे प्लांटेशन लगा रहे। जस्ट एक कैंपेन लास्ट सैटरडे में शुरू हुआ है, आज अगले आने वाले 3 सैटरडे जो सैटरडे है उस वही जो ऑस्पिशियस डे है एनवायरमेंट में, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5th of June, तो उसमें भी हम अनिल कपूर जी के साथ वहाँ पे लगा रहे, जू में जॉगर्स पार्क में लगा रहे, यहाँ लोकंडवाला बैक में उस दिन काफ़ी पेड़ लगाएंगे। लेकिन पेड़ लगाने के लिए वही मैं चाहता हूँ कि लोग जब सामने से आते हैं, जब पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह से होता है और उसको ग्रो करना बहुत आसान हो सकता है, इसलिए हमने ये कैंपेन ले लिया है। अनुषा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, अभी ना रणवीर अपने बेटे के साथ आए थे और बच्चों का ना हम कहते हैं कि एक पेड़ को, जैसे आपने उसने उसका साइंटिफिक रीज़न बताया था कि छोटे पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब ये सब कुछ थम जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा ढीला हो जाए, स्कूल में जाके भी इस तरह के इनिशिएटिव बच्चों को बताना चाहिए कि पेड़ लगाएं, सिर्फ अभी जो तूफान आया है उसको मद्देनजर ना रखते हुए भी, वो लेकिन द नीड ऑफ यू नो एक है सीड बॉम्बिंग, सो वी विल डू इट विद स्कूल्स ऑल्सो, वेयर यू मेक लिटिल बॉम्ब्स ऑफ सीड, जो जहाँ फेंकोगे आप तो वहाँ पे पेड़ उगता है। इसकी 60% मॉर्टेलिटी रेट है, तो आप अगर उसमें 10 सीड भी लगा के आपने लगाया तो इट हैज़ इनफ न्यूट्रिएंट्स कि वो जहाँ डाले वहाँ पे वो उग सके। सेकेंड है, वी हैव स्पोकन टू अ कंपनी इन द US, पहले चेन्नई में करेंगे, उसके बाद वेयर वी कैन लाइक मे बी एन आर ए और मे बी अ लैंड वेयर वी हैव ओपन स्पेसिस, वहाँ पे हम लोग सीड बॉम्बिंग एयर से कर सकते हैं, ड्रोन से। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट ईच ट्री दैट वी कैन प्लांट टू मेक अ डिफरेंस। ही विल बी एबल टू हेल्प अस मोर विद चीज चांस, डोंट यू एनलाइटन अस अ लिटिल बिट। So what they've done very smartly in this project is they've used only native varieties. There's 41 natives that have been chosen. उससे क्या होता है, द मेंटेनेंस इज ईजियर। फर्स्ट 3 महीना जो बारिश अभी हम लोग हैं उसको 3 महीना पानी मिल गया, बाई द एंड ऑफ द ईयर योर ट्री इज अ सेटल्ड ट्री। देर इज़ अ 85-90% सक्सेस रेट विद द प्लांट्स दैट सर एंड द टीम हैव चोजन राइट नाउ। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट दे आर टेकिंग फॉरवर्ड। विश्वास जी ने बता दिया, हमें पहले से एडवांस में इंफॉर्मेशन मिली है अनिल कपूर इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू कन्विंस हिम टू बी ऑन बोर्ड, ही इज ऑलवेज देयर फॉर समथिंग लाइक दिस। नो, आई थिंक विश्वास जी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर ईच ऑफ अस, मतलब हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो विश्वास जी हैज ऑलवेज बीन देयर। आई थिंक अनिल जी इज जस्ट रेसिप्रोकेटिंग इट, वेदर इट इज़ एनी ऑफ दिस पीपल हु आर हियर, ही हैज ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट, मतलब किसी भी टाइम आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप सोचो उसके पहले वो एक्चुअली करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी नाइस। मतलब एंड नो, इट्स नॉट जस्ट हिम, यू शुड सी हिज सन, हिज सन डज वर्क फॉर एनिमल्स, हिज सन डज वर्क फॉर प्लांट्स, एंड हिज सन इज अ टीम रनर, वेन ही इज 12 years old दैट किड इज डूइंग अमेजिंग वर्क, दैट शोज द अपब्रिंगिंग ऑफ द पेरेंट्स एंड द वे दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। आई थिंक विश्वास जी के लिए तो हम सब भी वैसे ही बच्चे हैं, तो हमारा ख्याल रखते हैं तो रिटर्न में हम भी ख्याल रख लेते हैं। विश्वास जी जब भी बुलाए सवाल ही नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर हिम। सर यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी दूर तक पहुँचती है बात और आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप कैसे अवेयरनेस फैलाएंगी बाकी लोगों के जिन जो आपके ताल्लुकात में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, इंडस्ट्री में? और मुझे आई बिलीव कि एवरीवन, जितने भी लोग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं बहुत कंसर्न रहते हैं पर्यावरण को लेके, हर चीज़ पॉल्यूशन को लेके। देखिए, पेड़ पौधों में भी जान होती है ये सबको पता है, हम लोग अगर कोशिश करें और ठीक है साइक्लोन आया तो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि जब तूफान ना भी हो तो हमारे चारों तरफ ग्रीनरी होना चाहिए क्योंकि वो एक अहम भूमिका निभाती है। मेरा बस इतना ही बोलना है सबसे कि हर एक बंदे को एक एक पेड़ एटलीस्ट लगाना चाहिए, और चूँकि मैं एक सिंगर हूँ तो एक जो अभी साइक्लोन आया, जो अभी COVID-19 चल रहा है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, हर चीज़ डगमगा गई है, तो मैं कुछ लफ्ज़ों में ही कहना चाहूँगी या आ...
बरस जाई।